हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर देखा था लुईस एसिड बेस थ्योरी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लुईस एसिड बेस थ्योरी, यानी कि जो हमने लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेसिस क्या होते हैं, हम उनकी इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था ये थ्योरी जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इससे हम कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो लुईस एसिड हमने स्टडी किया था और लुईस बेस स्टडी किया था, उनके इंटरैक्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है लुईस एसिड की और स्ट्रेंथ क्या होती है लुईस बेस की, और किन किन फैक्टर्स पे वो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो लुईस एसिड बेस थ्योरी का पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। सो टॉपिक पे चलने से पहले, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो हम देखते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब देखिए, आपको कल मैं बता चुकी थी कि लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है ना। एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन लेते हैं, क्योंकि इंटरैक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, दोनों किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो लुईस एसिड को मैं LA लिख रही हूँ और लुईस बेस को मैं LB लिख रही हूँ। अब स्टूडेंट्स, लुईस एसिड में ज्यूम करती हूँ कोई भी A मॉलिक्यूल है और लुईस बेस में ज्यूम कर रही हूँ कोई भी B मॉलिक्यूल, मतलब B जो मेरा एलिमेंट है, ठीक है। तो A एलिमेंट और B एलिमेंट में इंटरैक्शन किस तरह से देखी जाएगी। लुईस एसिड क्या होता था, याद कीजिए, लुईस एसिड वो होता था जो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज लुईस एसिड। यानी कि जो एक्सेप्टर का काम करेगा, है ना। और लुईस बेस क्या होता था, जो डोनर का काम करता था, जो डोनेट करता था। और आपको याद होगा मैंने कहा था डोनेट वही करता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मोर ओवर आप ये भी कह सकते हो भी जो बी है हमारा, उसके ऊपर मान लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ए को डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये लुईस बेस का काम कर रहा है। लुईस बेस की क्या स्पेशलिटी होती है, अभी वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसे डोनेट ईजिली कर सकता है। और यहाँ पर जो ए हमारे पास है, ए क्या है, ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास ये स्पेशलिटी होती है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तभी इसे लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, और लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, राइट। तो यहाँ पर लुईस बेस जो कि हमारा बी है, इसके ऊपर इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और ये ए जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किसका काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ कह सकती हूँ भी इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ अ लुईस बेस। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके साथ मतलब दे रहा है इसको, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर्मेशन में, तो ये नहीं है भाई इसने इसको दे दिया और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से चले गए, ऐसे नहीं है। ये शेयरिंग होगी, बी और ए के बीच में शेयरिंग होगी। तो क्या होगा, जब बी ने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स ए के साथ शेयर किए, क्योंकि ए की कैपेसिटी होती है एक्सेप्ट करने की, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, भी ये मेरा ए मॉलिक्यूल था, ये मेरा बी मॉलिक्यूल था, जब बी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ये बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग होती है और सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे देता है। तो इस केस में बी ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे ए के साथ, शेयरिंग दोनों में हो रही है, लेकिन दे कौन रहा है, इकलौता एक ही मतलब हमें दे रहा है एटम, जैसे कि बी, लेकिन शेयरिंग ए और बी दोनों में हो रही है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों एटम्स क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते थे और उनमें शेयरिंग होती थी। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता था, सिर्फ एक देता था, और जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये तो जनरल था,
जनरल था, अभी मैंने बोला एक ए है एक बी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ करवाने वाली हूँ बी इंटरेक्शन लुईस एसिड में कैसे होती है और लुईस बेस में क्या होती है और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ तो आपने याद करनी करनी है भी, जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस के अंदर कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि वहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, इस एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ जहाँ पर एरो लग रही है मतलब उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, उसके साथ शेयरिंग की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी के इलेक्ट्रॉन्स ए के साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ से एरो निकलती है, ओरिजिनेट होती है, उसका मतलब है इस एलिमेंट, इस एटम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं ए के साथ। सो अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, दो तीन एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ जिसके अंदर हम ये देखेंगे भी लुईस एसिड और लुईस बेस के अंदर इंटरेक्शन के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सो एक और चीज़ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल पे चलने से पहले इसे नोट कर लीजिए, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड बेस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जब क्या होगी, इंटरेक्शन होगी लुईस एसिड और लुईस बेस में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं भी, जो इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, लुईस एसिड और लुईस बेस के अंदर क्या होती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, हम करेंगे अमोनियम आयन की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं यहीं बने रहने देती हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इस चीज़ को हम यहीं लिखे रहने देंगे। और यहाँ साइड पर क्या करके दिखाती हूँ आपको, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, अमोनियम आयन फॉर्मेशन, क्लियर है। अब हम इसका करके दिखाएंगे, देखिए अमोनियम आयन होता क्या है, NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। तो आप खुद सोचिए अमोनियम आयन किससे बना होगा, एक इसके अंदर होगा लुईस एसिड, एक होगा लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अमोनियम आयन के केस में लुईस बेस होगा NH3 और लुईस एसिड हमारा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा एच पॉजिटिव, ठीक है। सो इसमें मैंने अब आपको बोला भी इंटरेक्शन होगी लुईस एसिड और लुईस बेस के केस में, तो यहाँ पर लुईस बेस NH3 क्यों है, क्योंकि NH3 बेसिकली क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड्स बनाता है। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो उस केस में उसका क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होंगे। दोबारा बताती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 5, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, कितने रह गए, एक लोन पेयर रह गया, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये क्या कर सकता है, उन्हें डोनेट कर सकता है। डोनेट करने की टेंडेंसी उसी के पास होती है जिसको हम कहते हैं लुईस बेस, मतलब लुईस बेस इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डोनेट कर सकता है। नाउ नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू किसको, हाइड्रोजन को, एच पॉजिटिव को। हाइड्रोजन के जो आयन है एच पॉजिटिव आयन, इसको ये डोनेट कर सकता है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन देखी जाती है, लुईस बेस है NH3 क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लुईस एसिड है एच पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, अब वो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। देखिए आपने हमेशा याद रखना है, लुईस एसिड को आप इस तरफ लिखे, लुईस बेस को इस तरफ लिखे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने एरो को हमेशा ढंग से लगाना है। जो डोनेट कर रहा है वहाँ से एरो ओरिजिनेट होगी, मतलब लाइक दिस, जैसे NH3 ये इसके लोन पेयर है, ये डोनेट कर रहा है ना इसको एच पॉजिटिव को, तो इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इसने इसके साथ शेयर कर दिए और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, और इसको क्या बोलते हैं हम, NH4 पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव बोलते हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ भी हमारे अमोनियम आयन की फॉर्मेशन है,
इसको मैं एक और ढंग से लिख सकती हूँ जो बेसिकली अच्छे से जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको बताती हूँ। ये तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया, भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, NH3 और H के बीच में। अब इसको लिखते कैसे, देखिए एक नाइट्रोजन है, अब पहले तो इसके पास तीन हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, उसको इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए, तो जिसको शेयर करे इसको शेयर करे तो यहाँ पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और ब्रैकेट ऐसे बनाकर आपने क्या लगाना है उस पर, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, क्योंकि अमोनियम आयन के ऊपर बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने इस तरह से इसे शो करना है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा ये रहा, ये NH3 का स्ट्रक्चर था, इसने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए और इस हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो ये सबसे पहला एग्जांपल था हमारा अमोनियम आयन फॉर्मेशन का। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़े इजी हो जाएगा, इजीली आप समझ पाओगे। अब अपने वीडियो को पॉज करके 2 मिनट हाइड्रोनियम आयन खुद से बनाना है और फिर मेरे से चेक करना है कि आपने बिल्कुल सही सेम एज इट इज़ बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, तो हमने अब इसका स्ट्रक्चर देखना है भी इसके अंदर कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कैसे फॉर्मेशन होती है बॉन्डिंग की लुईस एसिड और लुईस बेस की इंटरेक्शन के कारण। तो देखिए इसके अंदर एक तो हमारा होगा वाटर, अब वाटर पे आप देखिए यहाँ पर आपको पता है भी ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है वाटर का, और ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है, ये एच पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके पास है लोन पेयर, है ना, तो ये क्या कर सकता है अपने लोन पेयर को, स्टूडेंट्स ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, एच पॉजिटिव को। तो अगर ये डोनेशन की कैपेसिटी रखता है तो ये क्या होगा, लुईस बेस होगा, क्योंकि लुईस बेस क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए इसके ऊपर है लोन पेयर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिया, लेकिन एक अभी भी रह गया, तो एक मैंने ऐसे शो कर दिया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए एरो ऑक्सीजन से कहाँ तक गई, हाइड्रोजन तक गई। तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली वो सेंट्रल एटम पे होता है, तो ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, क्यों, क्योंकि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है लुईस बेस का काम करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लुईस एसिड को डोनेट कर सकता है। लुईस एसिड वो होता है जिसके पास क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एच पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था भाई लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, अब हमने उसको इम्प्लाई करा और हमने देखा भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो ये तो था हमारा इंटरेक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे लुईस एसिड का करेक्टर, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और लुईस बेस का करेक्टर, यानी कि लुईस बेस की कितनी स्ट्रेंथ है। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रेंथ, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस की। ठीक है, स्ट्रेंथ हम डिस्कस करेंगे ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस की। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं वो डिस्कस हम करेंगे लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर।
अब लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ है, लुईस एसिड का जो करेक्टर है, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज़ हम लुईस एसिड की बात कर रहे हैं, लुईस एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के। ये डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के, मतलब कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा लुईस एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा लुईस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं। Na प्लस Mg प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3। आपको पता है जब आप इधर से इधर जाओगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे देख रहे हो आप, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लुईस एसिडिक करेक्टर के, तो लुईस का जो स्ट्रेंथ है, लुईस एसिडिक करेक्टर है, ये भी स्टूडेंट्स बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लुईस एसिड वो होता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो Na प्लस की, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होती है Na की, है ना। Na प्लस का मतलब क्या हुआ, 3s0 हो गया, यानी कि इसके पास 3s का भी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, 3p का भी, 3d का भी। आगे जाओगे तो आप देखोगे भी इनके भी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईजिली किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। सो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे लुईस का करेक्टर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कह रही हूँ, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं डी ऑर्बिटल्स ही हो, देखो एस भी है, पी भी है, डी भी है, है ना। तो वो तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, डी ऑर्बिटल्स की कब बात की थी, सेंट्रल एटम के लिए बात की थी, इधर के लिए नहीं की, इधर नॉर्मल आपको बोला गया है भी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे लुईस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको मैं दो और एग्जांपल्स देती हूँ स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल है PCl5 और PCl3 का, इसी में देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है PCl3 PCl5। अब यहाँ PCl3 में फॉस्फोरस पे क्या चार्ज है, प्लस 3 चार्ज है, और PCl5 में फॉस्फोरस पे है प्लस 5 चार्ज। तो जैसे जैसे आप देखोगे प्लस 3 से प्लस 5, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो लुईस का जो एसिडिक करेक्टर वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो PCl5 का जो एसिडिक करेक्टर है, लुईस एसिडिक करेक्टर, एसिड करेक्टर कल्ला नहीं, लुईस एसिडिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है PCl3 के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर आपको मैं देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ SO2 एंड SO3, ठीक है, एक SO2 और SO3 के एग्जाम्पल देती हूँ। तो इस केस में मुझे बताइए क्या होगा, इस पर होता है प्लस 4 चार्ज, इस पर होता है प्लस 6 चार्ज। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, और SO3 का एसिडिक करेक्टर जो होगा SO2 के कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है भी, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हमें दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब सेकंड फैक्टर क्या होता है जो जिस पे लुईस एसिडिक करेक्टर डिपेंड करता है, आइए अब हम वो देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले एक और एग्जांपल लेके आती हूँ जो आपको बिट कंफ्यूज कर सकता है। अब हमें यही नहीं है पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए हमने सीधा फटाक से आंसर दे देना, नहीं, चेक भी करना है, क्या और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करती है। देखिए इधर से इधर जा रहे हो, आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चार्ज बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए CCl4 के केस में देखिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है स्टूडेंट्स, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये और इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इनके पास जगह है तो ये लुईस एसिड का काम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन CCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, जब इसके पास जगह नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये लुईस एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा, तो इसका लुईस एसिडिक करेक्टर सबसे कम होगा। तो क्या हमारा ट्रेंड होगा, CCl4 फिर BeCl2 और फिर BCl3 होना, मतलब हमने जो सोचा था वो ये था भी जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है और हमारा आंसर करेक्ट ये होगा, क्योंकि CCl4 का जो होता है करेक्टर वो सबसे कम होता है बिकॉज उसका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। तो अब हम देखने लगे हैं सेकंड फैक्टर जो लुईस एसिडिक करेक्टर को अफेक्ट करता है। ये स्टूडेंट्स, अब केस आता है सेंट्रल एटम का, जिसका सेंट्रल एटम क्या है, सेम है।
अब उस केस में हम कैसे बताएंगे? अभी तो हमने बोल दिया सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। अब मैं कह रही हूँ सेंट्रल एटम ही सेम है, मतलब उस पर चार्ज ही सेम है सब पे, तो क्या करोगे? सेंट्रल एटम सेम है तो उस केस में जो लुइस एसिडिक करेक्टर है, लुइस एसिडिक करेक्टर या लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी, कौन से आसपास वाले एटम की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम तो सेम है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इन दोनों चीज़ों पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, लुइस एसिडिक करेक्टर पहला केस हमने देखा भी जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा सेंट्रल एटम पे तो क्या होगा, लुइस एसिडिक करेक्टर पड़ेगा। सेकेंड हमने पॉइंट ये बोला भी अगर उसका सेंट्रल एटम ही सेम है तो उस केस में क्या किया जाएगा, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो एसिडिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है साइज ऑफ हमारे जो एटम होता है सराउंडिंग वाले के। अब मैंने सराउंडिंग क्यों बोला, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो तो सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और इन्वर्सली होगा साइज ऑफ सराउंडिंग पे। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर इसको क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे कि SiF4, SiCl4, SiBr4 और SiI4। इस केस में क्या करेक्टर होगा स्टूडेंट, सोचिए। यहाँ पर सेंट्रल एटम जो Si सेम है, चारों में सेंट्रल एटम सेम है तो किस पर एसिडिक करेक्टर डिपेंड करेगा, एसिडिक करेक्टर डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज़्यादा होती है, मानते हो, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा तो इसका एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा भी, SiF4 का क्या है, हमारा एसिडिक करेक्टर, लुइस एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, फिर SiCl का, Cl4 का, फिर SiBr4 का, और फिर लास्ट में SiI4 का। क्लियर है, पक्का क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है ना इसमें, इसमें सिंपल सा बस यही याद रखना है फंडा, भी लुइस जो एसिडिक करेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। किस केस में, जब सेंट्रल एटम सेम होता है उस केस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो अब हम देखने लगे हैं हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जो लुइस एसिडिक करेक्टर को अफेक्ट करता है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है लुइस बेसिक करेक्टर। अभी तक हमने लुइस एसिडिक करेक्टर देखा था, अब हम देखेंगे लुइस बेसिक करेक्टर। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लुइस बेसिक करेक्टर। बेसिकली लुइस बेसिक करेक्टर होता क्या है, लुइस बेसिक करेक्टर जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे। और स्टूडेंट्स अब पता क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं मैम इसके पास ये भी तो हो सकता है, जितने ज़्यादा लोन पेयर हैं उतनी ज़्यादा, मतलब वो क्या कर सकता है, उसको लुइस बेसिक करेक्टर होता है। तो ऐसा नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा भी किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है उसका लुइस बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो सेकेंड फैक्टर जो है जो कि लुइस बेसिक करेक्टर को अफेक्ट करता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है लुइस बेसिक करेक्टर को वो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं अदर टर्म्स में ये भी कह सकती हूँ चार्ज बाय साइज का रेशो। ठीक है, सो जिसका चार्ज बाय साइज का रेशो ज़्यादा होगा उसका लुइस बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का मैंने लिया है, F- Cl- Br- I-। इस केस में लुइस बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा है, देखिए फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होगा तो वो क्या, जो लुइस बेस करेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन चार्ज के लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है साइज के। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो इसका जो लुइस बेसिक करेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा, हमें ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये तो था लुइस बेसिक करेक्टर। तो अभी तक हमने देखा अभी लुइस एसिडिक करेक्टर क्या होता है, लुइस बेसिक करेक्टर क्या होता है। अब हम देखने लगे हैं ड्रॉबैक्स क्या है लुइस एसिड बेस थ्योरी के। सो यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे लुइस एसिड बेस थ्योरी के। ठीक है, मैं सीधा लुइस थ्योरी लिख रही हूँ, अपने कन्फ्यूजन नहीं लेना, जो पहले थ्योरी थी वो लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी थी, है ना। सो अब ये एसिड बेस थ्योरी की बात हो रही है, जो सेकंड थ्योरी है इसके क्या ड्रॉबैक्स रह गए, भी ये थ्योरी फेल हो गई और हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लाना पड़ा,
हाँ जी थ्योरी। अब आपको कि मैम हम स्टडी क्यों कर रहे हैं अगर ये फेल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल में हेल्प करी है उनके, मतलब जैसे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन थी, उसने हमें रिप्रेजेंटेशन तो सिखा दी, हालांकि वो फेल हो गई, वो शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई या बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई या स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन उसने हमें रिप्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये तो सिखाया। तो मतलब इन्होंने हमें कुछ कुछ सिखाया, तो हम इन्हें स्टडी इसीलिए करते हैं, है ना। सो आप देखिए क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक है भी लुईस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ क्यों होती हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बॉन्ड की जो लेंथ है किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, ये उस रीज़न को क्लैरिफाई नहीं कर पाया। सो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये रह चुका है। सेकेंड ड्रॉबैक जो है वो ये है भी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जीज। कैसे, देखिए जैसे एच और एच में भी तो एक बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सिमिलरली एफ और एफ के बीच में भी शेयरिंग हो रही है, तो क्वेश्चन ये अराइज करता है जब इसमें भी शेयरिंग हो रही है उसमें भी शेयरिंग हो रही है तो भाई बॉन्ड एनर्जीज इनकी डिफरेंट क्यों है, ठीक है, क्यों डिफरेंट है, सेम क्यों नहीं है, बॉन्ड लेंथ सेम क्यों नहीं है, बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट क्यों है, तो ये इसका रीज़न नहीं क्लैरिफाई कर पाया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में और बॉन्ड एनर्जीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए भी ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। और लास्ट ड्रॉबैक इस थ्योरी का ये रह गया भी ये शेप और ज्योमेट्री, जो एक मॉलिक्यूल की शेप है, ये एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, ये उससे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि जो लुईस की एसिड बेस थ्योरी है उसका पार्ट टू यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखी इंटरैक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस, जिससे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ देखा एसिड कैरेक्टर का और बेसिक कैरेक्टर का, और अब हमने इसका ड्रॉबैक देखा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।